स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ गया है और केंद्र सरकार कानून बनाने में जुटी है। उसने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का कानून बनाने की पहल की है। हालांकि इसकी प्रक्रिया लंबी है क्योंकि ये कानून संविधान संशोधन के जरिए बनाया जा रहा है, इसलिए संसद के दोनों सदनों की अलग अलग मंजूरी के बाद इसे राज्यों की विधानसभाओं में पास होने के लिए भेजा जाना है। कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी इसके लिए जरूरी है। मार्च के शुरू में ही चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली है, सो सरकार के पास 2 महीने का समय है। इस बीच सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। सरकार पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का कानून बना रही है। अगर इस पहल को असम में बन रहे नागरिक रजिस्टर के साथ जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर सामने आती है। इसके साथ ही सरकार ने 3 तलाक को अपराध बनाने के कानून की पहल भी की है। 4th मामला अयोध्या का है, इस पर सुनवाई शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया है कि अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार की भूमिका बनेगी। पहले नजर में देखकर लगता है कि ये 4 मामले वोट की राजनीति से जुड़े हुए हैं, तभी यह चुनाव से पहले इन मुद्दों को हाईलाइट किया गया है। सरकार आंकड़ों की जादूगरी के सहारे ये समझा रही है कि उसने बहुत काम किया है, पर असल में 3 राज्यों में भाजपा की हार से पार्टी नेताओं की नींदूरी है। तभी अपने कोर वोट की नाराजगी दूर करने और ध्रुवीकरण कराने वाले मुद्दों पर खास ध्यान दिया गया है। अभी हकीकत जाहिर हुई है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के कानून का कैबिनेट नोट एक दिन में बना था। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट सहयोगियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जैसे उनको नोटबंदी की जानकारी नहीं थी और बैठक में ही उसके बारे में बताया गया, उसी तरह आरक्षण का कानून बनने की जानकारी भी बैठक में ही मिली। उसके बाद 24 घंटे में बिल बनाकर लोकसभा में पेश कर दिया गया। सरकार ने इसके लिए कोई आयोग या समिति नहीं बनाई। सवर्ण जातियों की संख्या, उनकी आबादी और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का कोई ब्यौरा नहीं जुटाया। नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी के बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया। 8 लाख रुपए तक कमाने वाले आरक्षण का लाभ किस आधार पर देने का फैसला हुआ ये भी पता नहीं है। पर विधायी कामकाज के लिहाज से आखिर माने जा रहे शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए इसका बिल पेश कर दिया गया। असल में 3 राज्यों में हार की समीक्षा में भाजपा नेताओं को लग रहा है कि सवर्ण मतदाताओं की उदासीनता का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। वो या तो वोट करने नहीं निकले, या नोटा को वोट किया, या बेमन से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सेदारी की। सवर्ण आरक्षण के सहारे उस वोट में जोश भरने की कवायद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बना है, जिसमें बाहरी घुसपैठियों की पहचान की गई है। भाजपा के नेता हर सभा में कहते हैं कि सभी राज्यों में NRC बनेगी और घुसपैठियों को निकाला जाएगा। इसके आगे की कड़ी नागरिकता संशोधन कानून है। इस पर बनी संयुक्त संसदीय समिति JPC में विपक्ष के सारे विरोध को दरकिनार कर रिपोर्ट तैयार की गई और उस आधार पर बिल पेश कर दिया गया। सरकार इस बिल के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देगी। ये एक भावनात्मक मुद्दा है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है कि इन तीनों देशों में गैर मुस्लिम, खासकर हिंदू, पूरी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर सरकार ये कहती है कि कहीं से भी प्रताड़ित हिंदू या सिख, बौद्ध, जैन भारत आता है तो उसे यहाँ की नागरिकता मिलेगी, तो इस पर भावना का उभार होगा। सरकार इस कानून के जरिए पश्चिम बंगाल और असम में यही उभार पैदा करना चाहती है, जहाँ लोकसभा की कुल 56 सीटें हैं। सरकार ने इसी तरह 3 तलाक पर फोकस किया है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के नाम पर सरकार ने इस पर बहुत जोर दिया है। चाहे गरीब सवर्ण को आरक्षण देने का बिल हो, या नागरिकता कानून हो, या 3 तलाक का कानून हो, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको भाजपा के कोर वोट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। असल में भाजपा के कोर समर्थकों को नरेंद्र मोदी की सरकार से यही शिकायत थी कि भाजपा का जो कोर एजेंडा था उसे छोड़ दिया है। मोदी मंदिर की बजाय शौचालय बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब मोदी सरकार ने उनकी मुराद पूरी करनी शुरू की है, जिनको शिकायत थी। कोर वोट को खुश करने वाले सारे काम हो रहे हैं। हालांकि 4 साल 8 महीने तक इंतजार करने और एन चुनाव से पहले ये सारे काम करने का क्या असर होगा ये नहीं कहा जा सकता, पर चुनाव में ये इन्हीं का मुद्दा बनेगा और भाजपा का जोर इन्हीं मुद्दों पर होगा। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं। वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।